एक बार एक व्यापारी पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था और उसका व्यवसाय बंद होने वाला था। वह बहुत चिंतित और निराश होकर एक बगीचे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, काश कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरी डूबती हुई नैया को किनारे लगा दे, मतलब हमारी कंपनी को बंद होने से बचा दे। वह यही सब ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था, तभी वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, आप बहुत चिंतित लग रहे हो, कृपया अपनी समस्या बताइए, मैं आपकी शायद कुछ मदद कर सकूं। उस व्यापारी ने अपनी समस्या उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। व्यापारी की समस्या सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अपने जेब से एक नोटबुक निकाला और जिसके अंदर चेक रखा हुआ था। उसने व्यापारी को चेक देते हुए कहा, तुम यह चेक रखो और ठीक 1.5 साल बाद तुम मुझे यहीं मिलना, तुम मुझे मेरा पैसा वापस लौटा देना। व्यापारी ने चेक देखा तो उसकी आँखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथों में 50 लाख का चेक था जिस पर उसके शहर के सबसे अमीर व्यक्ति का सिग्नेचर थी, जिसका नाम जॉन रॉकफेलर था। उस व्यापारी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है, जॉन रॉकफेलर। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को आसपास देखा लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा था, वह जा चुका था। व्यापारी बहुत खुश हुआ, वह उसकी सारी चिंताएँ समाप्त हो गई। अब वह उन पैसों को अपने व्यवसाय पर लगा सकता है और अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर सकता है, मतलब उसकी डूबती हुई नैया को किनारे लगाने के लिए एक बूढ़े व्यक्ति ने उसकी मदद की। लेकिन उसके निर्णय किया कि वह उस चेक को तभी इस्तेमाल करेगा जब उसे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी और उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। उस व्यापारी का निराशा और चिंताएँ दूर हो गई, उसकी जो समस्याएँ थी उसे दूर होती नजर आ रही थी। अब वह निडर हो गया, अपने बिजनेस को आत्मविश्वास के साथ करने लगा क्योंकि उसने 50 लाख रुपए का चेक था और जरूरत पड़ने पर वह काम आ जाता। उसने कुछ ही महीने में व्यापारी के साथ अच्छे समझौते किए और धीरे 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 अपने व्यवसाय को बढ़ाता चला गया और उसने चेक का इस्तेमाल किए बिना ही सारा का सारा कर्जा चुका दिया। ठीक 1.5 साल बाद व्यापारी ने वही चेक लेकर उसी बगीचे में जा पहुँचा और वह बूढ़ा व्यक्ति उसके पास मिलने के लिए जरूर आया। वहाँ पर उस बूढ़े व्यक्ति से मिला। व्यापारी ने चेक वापस करते हुए कहा, धन्यवाद आपका जो आपने मेरी बुरे वक्त में मदद की, आपके इस चेक ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मेरा व्यवसाय फिर से खड़ा हो गया और मुझे इस चेक का उपयोग करना भी नहीं पड़ा और इसकी मुझे कहीं पर ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वह अपनी बात पूरी करता तभी वहाँ पर पास ही के पागल खाने के कुछ कर्मचारी आ पहुँचे और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर पागल खाने ले जाने लगे। यह देखकर व्यापारी ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं, आप जानते हो यह कौन है, इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर। पागल खाने के कर्मचारी ने कहा, यह तो एक पागल है जो खुद को जॉन रॉकफेलर समझता है, यह हमेशा भागकर इसी बगीचे में आ जाता है और लोगों से कहता है कि वह इस शहर का मशहूर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर है, हमें लगता है कि इसने आपको बेवकूफ बना दिया। वह व्यापारी पागल खाने के कर्मचारी के बातें सुनकर सन्न सा पड़ गया, वह सोच में पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वह व्यक्ति जॉन रॉकफेलर नहीं था। वह 1.5 वर्ष से जिस चेक के दम पर वह आराम से अपने व्यवसाय को जोखिम उठा रहा था वह नकली था। वह काफी देर सोचता रहा, फिर उसे समझ में आ गया कि यह पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना व्यवसाय वापस खड़ा किया, बल्कि यह तो उसकी निडरता और आत्मविश्वास था जो उसके भीतर ही था और उसने अपने बिजनेस को फिर से ऊंचाइयों पर ले गया। उस व्यक्ति को ये बातें समझ में आ गई। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ये घटना लागू होती है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ी समस्या आ जाती है और कोई बड़ा इंसान जब कहता है कि तू काम कर मैं हूँ, तो उस टाइम हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, हमें विश्वास हो जाता है कि मैं अगर कोई गलती करूंगा तो वो इंसान मुझे देख लेगा और मेरी गलती को सुधार देगा और इसके चलते हम अपने काम को सफलतापूर्वक करते हैं, कोई डर नहीं होता बल्कि हम उस काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। दोस्तों, आप सबको इस कहानी से क्या सीख मिली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।